सत्ते में उजैते कौन कहता है कि अपने देश में आरटीआई निष्प्राण हो चुका है। कौन कहता है कि सीएम हेल्पलाइन पे शिकायतें सुनी नहीं जाती और कार्रवाई नहीं की जाती। आज मैं आपको एक उदाहरण दूंगा सबूत के साथ, जिसमें मैंने आरटीआई के तहत एक बहुत बड़े 420 की 420 को पकड़ा और सीएम हेल्पलाइन की सहायता से उस 420 की 420 को कैंसिल कराया। और साथ ही साथ मैं अपने अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप आरटीआई कैसे दाखिल करें और आरटीआई के तहत अपने पसंद की सूचनाएं कैसे प्राप्त करें और सीएम हेल्पलाइन के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। सीएम हेल्पलाइन में आप ऑनलाइन शिकायत कैसे कर दर्ज करा सकते हैं, बाय कंप्यूटर और बाय मोबाइल और बाय फोन कॉल, और अपने शिकायत की स्थिति कैसे जानेंगे, कैसे ट्रैक करेंगे, कैसे फीडबैक देंगे और फाइनली समाधान कैसे प्राप्त करेंगे। फिलहाल मैं एक उदाहरण पे आता हूँ जिसमें मैंने सूचनाएं हासिल की थी। आरटीआई के तहत, आरटीआई इसका पूरा नाम राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है और इसका गठन 2005 में किया गया था अन्ना हजारे के प्रयासों के द्वारा। तो आरटीआई में मैं जो उदाहरण देने जा रहा हूँ, जो सबूत देने जा रहा हूँ, वह माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जिसमें एक हाई स्कूल ने एक छात्र को 2 बार अपने ही स्कूल से हाई स्कूल पास कराया था और दोनों बार जन्म तिथि बदल दी गई थी। और इस जानकारी को मैंने आरटीआई के तहत हासिल किया। हालांकि समय तो लगा पर मेरा कार्य संपन्न हो पाया आरटीआई के तहत, और प्राप्त सूचना के आधार पे मैंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया, उस 420 की 420 को बताया, तो सक्षम सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कार्रवाई करते हुए उस 420 की मार्कशीट को कैंसिल कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यह प्रार्थना पत्र जो संबंधित प्रधानाचार्य को दिया गया था 30/9/2013 को, पीछे पोस्ट ऑफिस की रसीद और पोस्टल ऑर्डर लगा हुआ है। इसमें जो सूचनाएं मांगी गई हैं वो आप देख लें अच्छी तरह से। 30 दिन के अंदर सूचनाएं नहीं मिली, जैसा प्राय होता है, फिर मैंने प्रथम अपील दाखिल किया DIOS आजमगढ़ को, ये बताते हुए कि संबंधित प्रधानाचार्य ने मुझे सूचनाएं नहीं दी। और यह प्रार्थना पत्र मैं 7/10/2013 को दिया था, पीछे पोस्ट ऑफिस की रसीद और पोस्टल ऑर्डर चिपकाया गया है। फिर भी सूचनाएं नहीं मिली तो मैंने द्वितीय अपील किया जिलाधिकारी प्रोटोकॉल आजमगढ़ को और दिनांक था 18/10/2013 और पीछे रसीद लगी है पोस्ट ऑफिस की और पोस्टल ऑर्डर की रिसीविंग भी है। फिर भी सूचनाएं नहीं मिली तो मुझे सूचना आयोग में जाना पड़ा, राज्य सूचना आयोग लखनऊ में मुझे प्रार्थना पत्र देना पड़ा, जो मैंने 1/11/2013 को किया था। पीछे आप रसीद पोस्ट ऑफिस की और पोस्टल ऑर्डर की रिसीविंग देख पा रहे हैं। उसके बाद सूचना आयोग ने 16/5/2014 को संबंधित प्रधानाचार्य को नोटिस जारी किया, जिसकी फोटोकॉपी मुझे भी दी गई। उसके बाद संबंधित प्रधानाचार्य ने
सूचनाएं दी। सूचनाएं में उन्होंने लिखा था कि वे सूचना देने हेतु बाध्य नहीं है क्योंकि उनका विद्यालय एडेड नहीं है। सरकार के द्वारा अध्यापकों को या प्रधानाचार्य को तनख्वाह या सैलरी नहीं दी जाती। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो प्रार्थना पत्र दिया है उन विधिक प्रारूप में नहीं है, पर इनके दलीलों को राज्य सूचना आयोग में माना नहीं गया क्योंकि बेसिक वेयर की दलीलें थी। और फाइनली उन्होंने सूचना दी कुछ इस तरह से, जो मेरे किसी काम की नहीं थी। इसमें संबंधित छात्र का ना तो अनुक्रमांक बताया गया था ना तो जन्मतिथि। फिर मैंने प्रार्थना पत्र दिया असंतुष्टि का, और तब जाके सूचनाएं मुझे दी गई। 2009 की मार्कशीट के गजट का फोटोकॉपी है जिसमें पवन सिंह का रोल नंबर है 2626478 और इनके जो जन्मतिथि है 15/5/94 है और ये थर्ड डिवीजन पास किए हैं। और इसी पवन सिंह ने फिर 2011 में हाई स्कूल पास किया, जिसकी गजट की फोटोकॉपी आपके सामने है जो सूचना के अधिकार के तहत मुझे मिली। और इस बार जो रोल नंबर बताया गया उस 420 फ्रॉड प्रधानाचार्य जो फोटोकॉपी दिया वो सिर्फ रोल नंबर की इकाई और दहाई के अंक दिए। दहाई का अंक 1 है और इकाई का अंक 9, जबकि हाई स्कूल का मार्कशीट में जो अनुक्रमांक होता है वो 7 अंकों का होता है, तो सिर्फ इकाई और दहाई के अंक दिए। तो मैंने यह बात सूचना आयोग में सूचना आयुक्त समझ रखा। तो फिर फाइनली उन्होंने मुझे, मतलब प्रधानाचार्य संबंधित ने, पूरी सूचनाएँ दी। उन सूचनाओं का आधार बना के मैंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया तो 20/7/2017 को पत्र के द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने मुझे सूचित किया कि पवन सिंह ग्राम गुड़ारा थाना बड़गन तहसील लालगंज जिला आजमगढ़ की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट जो वर्ष 2011 में प्राप्त की गई थी उसे निरस्त कर दिया गया। तो यह निरस्तीकरण हुआ था 20/7/2017 को और मैंने जो पहला प्रार्थना पत्र दिया था वो 30/3/2013 था, तो लगभग 4 साल लगे। इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अपने देश में भारत सरकार में देर तो है पर अंधेर नहीं। 4 साल लगा और सूचनाएं भी मिली और 420 की 420 को निरस्त भी किया गया। तो मैं आगे के वीडियो में जो आपको बताऊंगा कि कैसे आप आरटीआई दाखिल करें, चाहे वो स्टेट से संबंधित हो या केंद्र से संबंधित हो, क्योंकि दोनों में थोड़ा चेंजेज है, बिल्कुल सेम नहीं है, कुछ अंतर पाया जाता है। और फिर आप सीएम हेल्पलाइन से अपनी समस्याओं का निराकरण कैसे करा सकते हैं, कैसे समाधान पा सकते हैं, मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर आप में धैर्य नहीं होगा तो आपका कार्य नहीं हो पाएगा। अगर आरटीआई आप दाखिल करना चाहते हैं, सूचनाएं लेना चाहते हैं, या सीएम हेल्पलाइन से या फिर पीएमओ से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो समाधान तो आपको मिलेगा, सूचनाएँ भी आपको मिलेंगी, लेकिन आपके पास धैर्य होना चाहिए। अगर धैर्य नहीं है तो यकीनन आप ना तो सूचनाएं पाएंगे ना तो समाधान। धन्यवाद। और हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।